अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स शुएब हियर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको ब्रोकर्स के बारे में बताना है और उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है। तो गाइस, डिफरेंट टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं और ब्रोकर्स होते भी क्या हैं वो भी आज आपको मैंने क्लियर करना है। और इसके अलावा मैं आपको पहले अपनी वेबसाइट इंट्रोड्यूस कराता चलूँ। ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com, और जब यहाँ पर विजिट करेंगे, अगर आप न्यू भी हैं फॉरेक्स में, तो आप यहाँ फॉरेक्स ट्रेनिंग में जाके यहाँ से आप अपनी फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, अगर आपको नहीं पता कि फॉरेक्स क्या है। और यहाँ से फॉरेक्स टर्मिनल, जो कि फॉरेक्स का सॉफ्टवेयर है, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ से आप स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं ट्रेडिंग करने की, और यहाँ से आप फ्री में ई ए ले सकते हैं, जो कि पेड एक्सपर्ट एडवाइज़र है, जो कि हमने बाय किए थे। और यहाँ से उसी तरह आपको टूल्स, टिप्स वगैरह फॉरेक्स ब्रोकर्स के बारे में पता लग जाएगा। और यहाँ पे आपको फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स मिलेंगे, और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो इधर भी आपको फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स नज़र आएंगे। अगर आप हमारी डेली वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूज़ इम्पैक्ट्स और इसके अलावा फ्री सिग्नल्स और ब्रोकर्स के बारे में रिव्यूज़ वगैरह मिला करेंगे। और ये हमारा YouTube चैनल है fxforever, यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली फॉरेक्स रिलेटेड वीडियोस अपलोड होती हैं। और अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट भी नज़र आएगी MT4 की। और जैसा कि हमने MT4 सिखा दिया है अपने सारे बिगनर्स जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, और बहुत जल्दी यहाँ पे हम फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी प्लेलिस्ट बनाएंगे, और उसमें कुछ फॉरेक्स की स्ट्रेटजी बताएंगे, जो कि बेसिक भी होगी, एडवांस लेवल भी होगी उसमें। और यहाँ पर आपको व्हाट इज़ फॉरेक्स की इधर भी वीडियो मिल जाएगी, जो कि उर्दू लैंग्वेज में है। आप यहाँ से भी सीख सकते हैं कि फॉरेक्स क्या चीज़ है और इसे पैसे किस तरह कमाए जाते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रोकर के ऊपर है कि व्हाट इज़ ब्रोकर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स आर। सो गाइस, ब्रोकर एक ब्रांड होता है जो कि आपके और दूसरे बंदे के दरमियान डील करवाता है। सो गाइस, जैसे कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ग्लव्स बाय करना है, आप कोई बंदा ढूंढ रहे हो जो कि आपको ग्लव्स सेल करे, तो आप ब्रोकर के पास जाते हो और कहते हो कि मेरी किसी बंदे के साथ डील कराओ जो कि मुझे ग्लव्स सेल करे। तो अब ब्रोकर आपकी और आपके सेलर के दरमियान डील कराएगा, तो उसमें वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो आपका कोई काम करा रहा है तो आपसे कुछ ना कुछ कमीशन तो चार्ज ज़रूर करेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं, और कुछ ब्रोकर्स बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे। तो हम यहाँ पे जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो एक्सम ब्रोकर है। एक्सम ब्रोकर को हमने हर तरह से इसकी जांच पड़ताल की है, और ये हर लिहाज से बेस्ट है। और इसके अलावा $30 नॉट डिपॉजिट बोनस भी देता है, और वीकली $10 पर लॉट इसका IB कमीशन भी है, और इसका लॉयल्टी बोनस जो है वो सबसे बेस्ट है जितने भी आज के ब्रोकर्स हैं। सो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपने एक्सम के साथ अकाउंट खोलें। अगर आपको अकाउंट खोलना आता है तो वेरी गुड, अदरवाइज़ आप हमारी वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसमें मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि आप किस तरह से एक्सम के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, तो मैं अपना टॉपिक की तरफ वापसी आता हूँ कि ब्रोकर क्या होता है। जो भी आपके और दूसरे बंदे के दरमियान डील कराता है वो ब्रोकर होता है। लेकिन अगर आपकी ये करेंसी डील हो रही हो, यानी कि कोई करेंसी एक्सचेंज इसमें हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं फॉरेक्स ब्रोकर। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, और ब्रोकर यानी एजेंट जो आपके दरमियान डील करवा रहा है, तो इसलिए हम इसको फॉरेक्स ब्रोकर कहते हैं। तो गाइस, थ्री टाइप्स के ब्रोकर्स होते हैं। पहला होता है STP यानी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, और सेकंड वाला जो है वो ECN है यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क, और थर्ड टाइप जो है वो मार्केट मेकर है। मार्केट मेकर यानी ये वो ब्रोकर जो कि आपकी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। तो गाइस, ज़रा इसके बारे में आज मैं आपको एग्जाम्पल भी देने लगा हूं। अगर आपको नहीं पता कि इन तीनों ब्रोकर्स में क्या फ़र्क है, तो गाइस आज मैं गारंटी देता हूं कि आज आपको एक एक चीज़ तीनों ब्रोकर्स की समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर की हैं, और उस एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस, सबसे पहली जो टाइप है वो है STP ब्रोकर यानी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। तो गाइस, STP ब्रोकर में क्या होता है, STP ब्रोकर एक ऐसा ब्रोकर है जिसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड के ज़रिए कमाता है, तो इसी वजह से अपनी स्प्रेड वो बहुत ज़्यादा हाई रखता है। और अगर आप वहाँ पर ट्रेड करेंगे तो ये बात अपने जहन में रख लें कि आपको बहुत ज़्यादा स्प्रेड देना पड़ेगा। स्प्रेड यानी आस्क और बिड प्राइस के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो होता है स्प्रेड। तो STP ब्रोकर जो है आपसे बहुत ज़्यादा स्प्रेड चार्ज करता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ब्रोकर है, ये एक डीलर है, और आप एक कॉमन पर्सन है, और आप आते हैं एक ब्रोकर के पास कि मुझे 1000 ग्लव्स बाय करने हैं, तो इसका मुझे रेट बता दो। अब ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर पहले अपने डीलर से कॉन्टैक्ट करेगा कि मुझे तुम एक ग्लव्स कितने में दोगे। फॉर एग्जांपल, अगर डीलर कहता है कि मैं आपको एक ग्लव्स जो है $8 को दूंगा, यानी $8, तो अब ब्रोकर आपको जो रेट देगा वो देगा $10, ताकि उसका $2 जो है कमीशन बचे। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि यार ये मुझे $10 में ग्लव्स दे रहा है,
तो अब अगर आप ब्रोकर से $10 के हिसाब से ग्लव्स बाय कर लेते हो तो ब्रोकर को हर एक ग्लव्स के पीछे $2 का प्रॉफिट होगा। तो अब अगर आपने ब्रोकर से 10 ग्लव्स बाय करे तो ब्रोकर को बैठे बैठाए $20 का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से STP ब्रोकर चार्ज करता है। अब देखें जिस तरह से आस्क और बिड प्राइस का जो डिफरेंस था यानी $2 वो इसका ब्रोकर का कमीशन था, तो इस तरह से STP ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है ECN ब्रोकर यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसका थोड़ा सा डिफरेंट केस है। अब मिसाल के तौर पे ये ब्रोकर जो है ये है ECN ब्रोकर। अब आप इसके पास आते हो और इसको कहते हो कि मुझे ग्लव्स बाय करना है, मुझे इसका रेट बता दो। अब ये आपको रेट देता है $8 का यानी $8। अब आप सोचते हो कि यार ये एक ब्रोकर है और इसके मुझे $8 का रेट दे रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैं किसी डीलर के पास जाऊंगा यानी किसी बड़े डीलर के पास तो वो मुझे रेट लाजमी कम देगा। लेकिन जब आप डीलर से रेट लेते हो और वो आपको रेट देता है $10 का, तो आप ये चीज़ देख के बड़े मतलब सरप्राइज होते हो कि मुझे जो ब्रोकर है यानी जो छोटी कंपनी है वो मुझे रेट दे रही है $8 का, और ये इतना बड़ा डीलर हो के मुझे $10 का रेट दे रहा है, इसको तो कम रेट देना चाहिए था, लेकिन ये तो ब्रोकर से भी ज़्यादा रेट दे रहा है। तो इसकी वजह ये है कि आप ब्रोकर से ले रहे हो 1000 ग्लव्स, ठीक है, और ब्रोकर इससे लेता है 10000 ग्लव्स। तो इस वजह से डीलर इसको डिस्काउंट देता है और आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा। अब आपको यानी आप तो एक मतलब इंडिविजुअल पर्सन है, आप इससे 1000 ग्लव्स लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन जो और बहुत सारे लोग हैं वो भी ब्रोकर्स को ऑर्डर दे रहे होते हैं कि हमें जो है 10000 ग्लव्स दे दो। एक और बंदा आता है कहता है मुझे भी 10000 ग्लव्स दे दो, एक और बंदा आया मुझे भी 10000, एक और। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है ब्रोकर्स को ऑर्डर देते हैं, तो ब्रोकर क्या करता है वो एक ही दफ़ा डीलर के पास जाता है और उसको कहता है कि भाई मुझे 10000 या 50000 जितने भी उसके ऑर्डर आए होते हैं वो एक ही दफ़ा में ज़्यादा से ज़्यादा इनसे ग्लव्स बाय कर लेता है। तो इसी वजह से डीलर जब देखता है यार इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है तो डीलर भी इसको फिर डिस्काउंट दे देता है, तो इस वजह से वो कम रेट में अपने बायर्स को ग्लव्स सेल कर रहा होता है। तो इस वजह से ब्रोकर को कम रेट पड़ते हैं और आप अगर डीलर के पास जाते हो तो वो डीलर आपको ज़्यादा रेट बताता है। तो फिर आप ब्रोकर को कहते हो कि ठीक है मैं एग्री हूँ, मुझे आप $8 के हिसाब से ही ग्लव दे दो। अब ब्रोकर आपको कहता है कि ओके ठीक है आप जाओ डीलर के पास, मेरा रेफरेंस दे दो और आपको एक ग्लव्स वो $8 के हिसाब से दे देगा। अब आप डीलर के पास जाओगे, डीलर आपको $8 के हिसाब से ग्लव्स दे देगा और अब इन दोनों में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ये आपस में अपना कमीशन रख लेंगे। इस तरह से ECN ब्रोकर आपसे चार्ज करता है यानी वो ज़्यादा मिकदार में चीज़ उठाता है और आपको कम रेट पे दे रहा होता है, क्योंकि लाजमी से बात है जब वो इतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होती है तो डीलर उसको डिस्काउंट देता है, वो उसी डिस्काउंट में से कुछ अपना कमीशन रख के अपने जो है छोटे छोटे जो बायर्स होते हैं उनको वो चीज़ें सेल कर रहा होता है। तो इस तरह से ECN ब्रोकर अर्न करता है अपने क्लाइंट से। अब समझते हैं गाइस कि मार्केट मेकर ब्रोकर क्या है। तो गाइस अभी जितने भी ब्रोकर्स हैं लाइक XNEX, InstaForex, XM, ये सारे के सारे ब्रोकर जो हैं ये सब मार्केट मेकर ब्रोकर हैं। अब STP ब्रोकर का तो नामो निशान ख़त्म हो चुका है, बहुत ही कम या ख़त्म होने के बराबर STP ब्रोकर रह गए हैं। ECN ब्रोकर भी बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है मार्केट मेकर ब्रोकर। और मार्केट मेकर ब्रोकर आपसे चार्ज करता है स्प्रेड के ज़रिए यानी वो स्प्रेड के ज़रिए आपसे कमाता है, और दूसरा वो आपके नुकसान होने पे कमाता है। यस गाइस जैसे कि हमने बताया था कि हम सारी आपको रियल इन्फॉर्मेशन देंगे फॉरेक्स की, कोई भी चीज़ आपसे हाइड नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी ये ब्रोकर हैं जितने भी मार्केट मेकर ब्रोकर्स हैं ये सब के सब चाहते हैं कि आप हमेशा नुकसान में रहो, क्योंकि जब भी आप नुकसान में रहेंगे तब तक ब्रोकर को प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने प्रॉफिट बनाना शुरू करा ब्रोकर को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी द सीक्रेट्स ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स, वो वीडियो मैं रिकमेंड करूँगा आप सब लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जाके वो वीडियो पहले वॉच करें। उसमें मैंने कुछ ब्रोकर्स के राज बताए हैं कि क्यों मार्केट मेकर ब्रोकर ऐसा चाहता है, और वो जब आपसे चाहता है कि आप लॉस करो और आप अगर नहीं कर रहे होते तो भी वो आपसे लॉस करवा देता है, और वो किस तरह से करवाता है वो आप उस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ज़रा अपने टॉपिक की तरफ वापसी आता हूँ कि आपसे मार्केट मेकर ब्रोकर किस तरह से अर्न करता है। सो गाइस जैसा कि ये आप एक मतलब मामूली बंदे हैं, ये एक ब्रोकर है और ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। सो गाइस आप जाते हो ब्रोकर के पास और कहते हो कि मुझे 1000 ग्लव्स बाय करने हैं, मुझे जो है इसका टोकन नंबर दे दो। तो जैसा कि आप टर्मिनल में देखते हैं आपको एक ऑर्डर नंबर मिलता है, जब भी आप कोई पोजीशन ओपन करते हैं तो आपके पास एक ऑर्डर नंबर आ जाता है, तो ये वो ऑर्डर नंबर आपको ब्रोकर ही दे रहा होता है जो मार्केट मेकर ब्रोकर होते हैं। तो अब मिसाल के तौर पर आप इसके पास गए और आपने कहा 1000 मुझे ग्लव्स चाहिए, अब ब्रोकर आपको 1000 ग्लव्स दे देता है कि ये लो। अब आपके पास 1000 ग्लव्स आ गए, अब आप जाते हो मार्केट में सेल करने। अब आप मार्केट में गए, यहाँ पर आपको रेट मिल रहे हैं सेल करने पे
$7, यानी कि आपने उससे बाय करा $8 के हिसाब से और यहाँ पे आपको जो रेट मिल रहे हैं वो $7 मिल रहे हैं, यानी आपको एक गिलास बेचने पे $1 का नुकसान हो रहा है। तो अब लाजमी सी बात है, अब आप बेचोगे तो नहीं ये सारे के सारे ग्लव्स, क्योंकि जब आपको एक ग्लव्स बेचने पे $1 का नुकसान हो रहा है तो अब आप जो है मजीद ग्लव्स नहीं बेचोगे। तो अब आप सोचते हो कि यार मैं अगर सारे के सारे 1000 ग्लव्स बेच दूँ तो मुझे तो $1000 का नुकसान हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हो, आप जो है मार्केट के बजाय वापसी ब्रोकर के पास जाते हो और कहते हो कि भाई अभी जो इस ग्लव्स की करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है $7, तो मुझसे तुम $7 के हिसाब से ही ग्लव्स मुझसे वापसी ले लो इससे पहले कि मुझे मजीद नुकसान हो। अब आप क्या करते हो, ब्रोकर को $7 के हिसाब से सारे के सारे ग्लव्स यानी जो 1000 ग्लव्स आपने बाय करे थे वो वापसी करा देते हो। उसने तो जस्ट आपको टोकन नंबर दिया होता है, वो आपसे टोकन नंबर वापसी लेके आपकी ट्रेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर पर लगा देता है। इस तरह ब्रोकर आपसे अर्न करता है। जो मार्केट मेकर ब्रोकर होते हैं वो आपसे तभी अर्न करता है जब आप नुकसान पे रहते हो। जैसे कि आप मार्केट में जब गए थे सेल करने तो आपको नुकसान हो रहा था, तो इसी तरह से उसको प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि उसने तो आपको ज़्यादा रेट पे सेल कर दिए और अब उस प्रोडक्ट के जो यानी प्राइस है वो कम हो गई है। तो यानी कि जो आपने इससे करेंसी बाई की थी वो उस वक्त ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपके पास आते ही यानी आपकी समझ ले बदकिस्मती थी कि उसकी जो है वो करेंसी की रेट गिर गए, वो करेंसी जो है वीक हो गई, इसीलिए आपको वहाँ पे मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिल रहा था। फिर आपने क्या करा, उसी वीक रेट पे आपने ब्रोकर को वापसी कर दिया और इस तरह से ब्रोकर ने आपसे अर्न कराया। ये मार्केट मेकर ब्रोकर था। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तीनों ब्रोकर्स के बारे में डिटेल में समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो के। और आपसे गुजारिश है गाइस कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, यहाँ पर सारे के सारे फॉरेक्स रिलेटेड कॉन्टेंट होते हैं जो कि हर एक दो दिन बाद कोई ना कोई यहाँ पर न्यू वीडियो अपलोड हो जाती है और वो भी उर्दू लैंग्वेज में। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं फॉरेक्स। और जैसे कि मैंने बताया ये बिगनर्स ट्रेनिंग है, इसलिए मैं ब्रोकर्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कुछ फॉरेक्स की स्ट्रैटेजी सिखाने लगा हूँ, जो कि बड़ा ही मेन टॉपिक है फॉरेक्स के बारे में। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दो एनालिसिस की बिना पर आप कोई भी पोजीशन अपनी ओपन करते हो और उसी से आपको प्रॉफिट होता है। सो गाइस वो सीखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो कभी भी अपलोड हो सकती है तो वो वीडियो आपको डायरेक्ट इनबॉक्स आ जाया करेगी। इसी के साथ साथ ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com, यहाँ पर आपको फ्री सिग्नल्स मिलते हैं। तो जब तक आप यानी ट्रेनिंग ले रहे हैं तब तक आप हमारे फ्री सिग्नल्स की मदद से भी ट्रेड कर सकते हैं और इंशाल्लाह इससे भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप हमारे सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको हमारी एक्यूरेसी का अंदाज़ा हो गया होगा और हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन आप भी जो है इतनी अच्छी तरीके से फॉरेक्स सीख लें कि आप खुद भी सिग्नल्स दिया करें। तो गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं कुछ फॉरेक्स की स्ट्रेटजीज बताने लगा हूँ। और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।